गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो टुडे वी हैव टू डू फिजिक्स एक्सपेरिमेंट फ्रॉम ऑप्टिक्स ऑफ 12th क्लास। देखिए, 12th क्लास का ये एक्सपेरिमेंट है जो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और आपके फाइनल जो प्रैक्टिकल होती है फिजिक्स की उसमें आता है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। पहले पहले मैं आपको ये रिटर्न वर्क समझाता हूँ, उसके बाद हम इसको करके देखेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आप देखिए एम। देखिए एम क्या है, एक्सपेरिमेंट आपको करना क्या है। एम है, इसमें दो आपके पास पार्ट दिए हुए, यानी टू पार्ट्स दिए हुए हैं। इन टू पार्ट्स को हम परफॉर्म करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में। तो फर्स्ट पार्ट में है टू डिटरमाइन एक्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ये कह रहा है कि हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को डिटरमाइन करना है दिए हुए प्रिज्म का। आपको एक प्रिज्म मिलेगा, उस प्रिज्म का मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताना है। प्लस आपको यहाँ पे एक ग्राफ भी प्लॉट करना है, किस किस के बीच में एक इंसिडेंट एंगल आई और एक एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में एक ग्राफ भी बनाना है। ओके। सेकेंड में टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, यानी आपको जो आपके पास प्रिज्म होगा उस प्रिज्म के मटेरियल का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना है। तो ये आपका एम है। आप एम समझ गए क्या क्या करना है आपको? एक तो आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, दूसरा आपके पास जो इंसिडेंट एंगल आई है और आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा है, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ओके। सेकेंड आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है प्रिज्म ऑफ मटेरियल का, यानी मेटेरियल ऑफ प्रिज्म जो है आपके पास, जो प्रिज्म है उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, यानी म्यू निकालना है। ओके। देखिए क्या क्या एपरेटस चाहिए, ध्यान से देखिए आपको एपरेटस क्या क्या चाहिए। एपरेटस जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, यानी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए, ड्राइंग बोर्ड जिस पर हम आपका जो परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट वो ड्राइंग बोर्ड चाहिए। आपके पास एक व्हाइट शीट पेपर होना चाहिए, व्हाइट शीट पेपर, और एक आपके पास प्रिज्म होना चाहिए। ड्राइंग पिंस, जो ड्राइंग पिंस होती है, जो आयरन नेल्स होती है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल चाहिए आपको, स्केल चाहिए आपको, एक ग्राफ पेपर चाहिए आपको, और एक प्रोटेक्टर चाहिए। तो ये एपरेटस है जिनका हम इस्तेमाल करके अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। अब देखिए डायग्राम, आप इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। जो आपका ये डायग्राम दे रखा है, ये देखिए हमने एक एक्स वाई लाइन ली है। जब भी हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रहे क्या करना है, हमने एक एक्स वाई लाइन लेनी है। क्या करना है, एक एक्स वाई जो है लाइन लेनी है, एक्स और वाई। इस एक्स वाई लाइन पर प्रिज्म को रखना है, प्रिज्म का जो बेस है वो उस इस एक्स वाई लाइन पे रखना है और उसका ट्रेस कर देना है, उसको ट्रेस कर देना है। ठीक है, ऐसे ही हमने तीन जितनी रीडिंग हम लेना चाहते हैं उतनी ही बार इसको ट्रेस कर देंगे हम। तो ट्रेस एक उसी प्रिज्म को यहाँ ट्रेस किया हुआ है, एक बार यहाँ ट्रेस किया हुआ है, यहाँ पे ट्रेस किया हुआ है ना, वो करके दिखाएंगे हम। फिर हमने यहाँ पे नॉर्मल लेना है, फिर यहाँ पे देखो 35 डिग्री का हमने इंसिडेंट एंगल लिया। फिर हमने यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल आपका दिया हुआ है, यहाँ पे P1 और P2, यहाँ पे दो नेल्स जो ड्राइंग नेल्स है, एक यहाँ पेनेट्रेट करनी है, एक यहाँ पे पेनेट्रेट करनी है, और फिर इधर साइड से इसको देखना है। इधर साइड से जो P3 और P4 है, इस साइड से हमें देखना है। ये आपके पास जो लाइन दे रखी है, ये एक्चुअल में इंसिडेंट रेज है, और ये इंसिडेंट रेज इस प्रिज्म में से 35 डिग्री एंगल पर, इंसिडेंट एंगल पर आपने गिराई। और ये जो ये वाली लाइन है डार्क वाली, ये रिफ्रेक्टेड लाइन है। जो क्या हुआ, जब आपने रिफ्रेक्शन किया 35 डिग्री पर, तो रिफ्रेक्टेड जो रेज है वो इस तरह से, यानी इस तरफ से निकली। तो P3 P4 जो है, यहाँ पे आयरन नेल्स हम यहाँ पे पेनेट्रेट करेंगे, और इन ये जो नेल्स दे रखी है आपके पास इंसिडेंट रेज के रेस्पेक्ट में, ये यहाँ पे इन P3 और P4 के बिल्कुल स्ट्रेट में आपको दिखाई देगी। ध्यान रखना, बिल्कुल स्ट्रेट में आपको ये दिखाई देने लगेगी। और फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए, अगर मान लीजिए, अगर हम देखें इंसिडेंट लाइट जो है, इसका एक्चुअल जो पाथ होता वो ये होना चाहिए था, तो हमने ये डॉटेड ले लिया स्ट्रेट लाइन। और हम देखें कि लेकिन ये एक्चुअल पाथ से तो गया ही नहीं, तो रे ऑफ लाइट आपकी यहाँ पे डेविएट हो गई इधर, तो इसका मतलब इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो ये आएगा और ये इंसिडेंट लाइट का एक्चुअल पाथ है। तो इनके बीच में ये जो एंगल दिख रहा है आपको, यही एंगल आपका क्या कहलाएगा एक्चुअल में, यही एंगल आपका एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। सेम हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है। इसमें हमने वही किया है कि अब की बार हमने एंगल इंसिडेंट जो एंगल है 40 डिग्री लिया है, और यहाँ पे हमने इंसिडेंट लाइट गिराई है P1 और P2, वही पिन को पेनेट्रेट किया, ये हम करके दिखाएंगे। और यहीं से रे ऑफ लाइट, अब की बार देखो रे ऑफ लाइट यहाँ से निकली है P3 P4, यहाँ पे पिन को पेनेट्रेट किया है, और यहाँ पे फिर देखिए एंगल जो बना Δ2 बना। सेम ऐसे ही हम 45 डिग्री का एंगल लेके देखेंगे, हमारे पास वही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग एंगल पर जो है एंगल ऑफ डेविएशन भी आपके अलग अलग आएंगे। अब इंसिडेंट, हर इंसिडेंट एंगल पर, अलग अलग इंसिडेंट एंगल पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएंगे, वही हम निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज की बात कर रहे हैं।
देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज गिवन बाय। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको अपने एम में आपने देखा था, तो एम आप ध्यान से देखिए इस एम में क्या बोल रहा है आपके पास कि आपको डिटरमाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर गिवन प्रिज्म, दी हुई प्रिज्म का आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं हो है नहीं है जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन सेकंड वाले में टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, यानी जो मटेरियल ऑफ प्रिज्म है उसका जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो फॉर्मूला चाहिए आपको। तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट में हमने फॉर्मूला यूज में क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ये म्यू फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू साइन ए बाई टू। ये प्रिज्म फॉर्मूला कहलाता है, यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ये फॉर्मूला है। ओके यहाँ पे डेल्टा एम क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ध्यान रहे ये जो डेल्टा एम है ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है जो कि हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हम डेल्टा एम निकालेंगे। ओके राइट। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा, यानी आई और डेल्टा के बीच हम रीडिंग लेंगे। आई हम अलग अलग एंगल पर हम डेल्टा देखेंगे कितना आया, और उसके बाद हम डेल्टा एम पता लगाएंगे कि कितना है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जितना भी आएगा हम यहाँ पे फिल करेंगे। ओके तो म्यू कैसे निकलेगा, साइन ए एंगल ऑफ, यहाँ पे देखिए जो ए है आपका ध्यान से देखिएगा जो एंगल ए है, एंगल ए आपका क्या होता है एक्चुअल में, एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, और लेबोरेटरी बेस पे जितने भी प्रिज्म होते हैं उनका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है 60 डिग्री लिया जाता है। राइट, क्या लिया जाता है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आपको यूज करना है, और जो डेल्टा एम है ये हम अपनी रीडिंग में कैलकुलेट करके निकालेंगे, और डेल्टा एम रीडिंग में जो ऑब्जर्व करेंगे हमारी रीडिंग उससे डेल्टा एम हम निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे। ऐसे ही ए यहाँ 60/2 करेंगे, ये 60+ डेल्टा एम जो हम निकालेंगे, और कैलकुलेट करके हमारे पास यहाँ पे जो भी है वो म्यू आ जाएगा, और म्यू को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ओके अब आप देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल, आप अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल को ध्यान से देखिए। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको सीरियल नंबर वाला एक कॉलम लेना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई यहाँ रीडिंग फिल करेंगे हम, एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा हम यहाँ रीडिंग फिल करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इंसिडेंट एंगल आपको 35 लेना है, एक बार आपको 40 लेना है, फिर 45 लेना है, 50 लेना है, 55 लेना है, और 60 लेना है। टोटल 6 रीडिंग हमने यहाँ पे लेनी है, और 35 डिग्री पे इंसिडेंट एंगल पर आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या आया, 40 पर कितना आया 45, ये सब हम परफॉर्म करने के बाद ही बता पाएंगे। देखिए रिजल्ट, देखिए लास्ट में रिजल्ट का पोर्शन जो है आपके पास क्या बता रहा है कि फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि हमने एम में देखा था कि दो चीजें पूछ रहा है आपसे, एक तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस यानी ग्राफ प्लॉट करना है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिजल्ट में फर्स्ट फ्रॉम आई और डेल्टा इंसिडेंट एंगल और जो एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ जो है हम उसको देखेंगे, तो उससे हमें एक बात पता लगेगी कि इंसिडेंट एंगल जब इंक्रीज होगा तो जो डेल्टा है फर्स्ट में तो डिक्रीज होगा अटेन ए मिनिमम, फिर वो मिनिमम पर चला जाएगा। ओके फिर अगेन स्टार्ट होगा, इंक्रीज होगा और फिर फर्दर इंक्रीज होगा और इन आई पर। ठीक है, एक बार तो इसका मतलब होगा कि एक बार तो ग्राफ आपका घटेगा फिर बढ़ेगा, डेल्टा का एक बार घटेगा फिर बढ़ेगा, हम ये देखेंगे निकाल के। सेकंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म म्यू, जो हम निकाल के हम यहाँ पे फिल करेंगे। ओके ये रिजल्ट है, चलिए हम परफॉर्म करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। तो सबसे पहले हमें मटेरियल में क्या रिक्वायर्ड था, तो देखिए एक प्रिज्म चाहिए था। तो ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ध्यान से देखिए दिस इज अवर प्रिज्म, ये आपका एक प्रिज्म है, और यहाँ पे एक पेंसिल है आपके पास, एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी आपको, एक प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपका प्रोटेक्टर हुआ, एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, ये आपका स्केल हुआ। ओके ड्राइंग पिन, ये आपके पास ड्राइंग पिन है, ठीक है ये ड्राइंग पिन है, आप एक व्हाइट शीट पेपर यूज कर सकते हो, तो ये आपके पास एक व्हाइट शीट पेपर हुआ। ओके अब हम एक ड्राइंग बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, आप ड्राइंग बोर्ड कुछ भी ले सकते हो जिसमें ये जो पिन है ये इजिली से पेनेट्रेट हो जाए। ओके अब हम इसको करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये ड्राइंग बोर्ड का काम कर रहा है, एक हमने बोर्ड लिया जनरली एक सिंपल सा बोर्ड लिया, और इस पे हम एक व्हाइट शीट पेपर रखते हैं। ओके अब देखिए व्हाइट शीट पेपर हमने ये लिया, इस ड्राइंग बोर्ड पे रख दिया मान लीजिए, और कुछ नेल्स लेंगे यानी ड्राइंग पिन लेंगे, हम इसको पेनेट्रेट करेंगे, हर कॉर्नर पे इसको पेनेट्रेट करना है आपको, ताकि ये आपका ड्राइंग शीट पेपर है जो है वो क्या नहीं करे, मूवमेंट नहीं करे, ताकि आपकी जो रीडिंग है वो गलत ना हो। तो हम इसको इजिली से और आसानी से क्या करेंगे, इसको पेनेट्रेट करते हैं। ओके पेनेट्रेट हो गया, ठीक है ध्यान से आपको पेनेट्रेट करना है, क्योंकि ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, यानी आपके आपके हाथ में भी पेनेट्रेट हो सकती है। दूसरी पिन हम इस कॉर्नर पे लगाएंगे, तो इस कॉर्नर पे हमने इस पिन को पेनेट्रेट किया। ओके इसको पेनेट्रेट हमने यहाँ पे कर दिया। ओके अब हम थर्ड पिन जो है यहाँ पे पेनेट्रेट करेंगे, इस वाले कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे हमने एक एक पिन को जो है पेनेट्रेट कर दिया, ताकि हमारा जो ड्राइंग शीट पेपर है वो मूवमेंट ना करे। ओके ये हमने इसको कर दिया। ओके देखिए
हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा हमारे पास क्या काम होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम है कि हम यहाँ पे जैसा कि हमने पिक्चर्स में देखा था कि सबसे पहले हमें एक एक्स वाई लाइन लेनी है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन लेंगे, तो हमारे पास ये एक्स वाई लाइन है। तो देखिए इस तरह से हम एक एक्स वाई लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक्स वाई लाइन जो है यहाँ पे बना ली है। अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रिज्म लेंगे। अब देखिए प्रिज्म जो है हम क्या करेंगे, इस प्रिज्म को हम इसका जो बेस है, देखिए ध्यान रखना है आपको कि जो प्रिज्म है प्रिज्म को आपने ऐसे नहीं रखना है, प्रिज्म का जो बेस है वो ये है। देखिए प्रिज्म का ये वाला बेस होता है, ये वाला बेस जो है हम प्रिज्म को यहाँ पे रखेंगे। तो प्रिज्म का ये वाला बेस ऐसे रखना है आपको, यानी ध्यान रहे प्रिज्म का ये वाला हिस्सा जो है या फिर ये वाला हिस्सा जो है हम नीचे रखना है, ठीक है, बेस के तौर पर रखना है। तो हमने इसको ले लिया ऐसे। तो देखिए इस ये वाला जो हिस्सा है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इस लाइन को टच करते हुए हमने यहाँ पे रखना है। तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ओके, ये यहाँ पे रख दिया। और इसको यहाँ थोड़ा सा प्रेस करेंगे हल्का सा और ट्रेस करेंगे, जो नीचे वाली लाइन है इसको हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करते हैं ये ऐसे, इसको हम ट्रेस करेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने इसको ट्रेस कर दिया, ठीक है, राइट, इसको हम हटा लेंगे। तो ट्रेस कर दिया हमने। अब देखो हमारा मेन काम क्या है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इस इसके नेमिंग करेंगे पहले। तो हमने लिखा इसको ए लिखा, इसको बी लिखा और इसका नेमिंग की सी, ओके। जो बेस लाइन आपको बी सी दिख रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल लेना है आपको, राइट, एक नॉर्मल हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए नॉर्मल कैसे लेना है आपको, ये प्रोटेक्टर थोड़ा नॉर्मल हम क्या करेंगे, थोड़ा नॉर्मल यहाँ इस लेंगे, मिड में नहीं लेंगे, थोड़ा यहाँ लेंगे क्योंकि हमने इंसिडेंट लाइट गिरानी है। तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल लिया। देखिए जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर की जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है प्रोटेक्टर की, वो इस वाली लाइन पे बिल्कुल कॉन्साइड करनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर सुपर इम्पोज या कॉन्साइड कर दिया। अब यहाँ पे एक एक हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक 90 डिग्री, नॉर्मल तो 90 डिग्री पे होता है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ लिया। अब हम क्या करेंगे, स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मीट कराएंगे, यानी एक नॉर्मल लेंगे। देखिए नॉर्मल हमेशा डॉटेड होता है, जस्ट इमेजिन, तो हम इसको इमेजिन करके इसको नॉर्मल को ऐसे लेते हैं, ओके, ये हो गया नॉर्मल आपका, ओके, दिस इज योर नॉर्मल। अब क्या करना है आपको, कितने डिग्री पे फर्स्ट रीडिंग लेनी है, 35 पे लेनी है, ओके, तो 35। तो देखिए प्रोटेक्टर को क्या करेंगे, हम ऐसे रखें, क्योंकि जो इंसिडेंट एंगल है वो कितने पे होता है, आप सभी को पता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल जो है वो हमेशा जो है नॉर्मल के साथ होता है। तो यहाँ पे 35, देखिए हमने इसको सेट कर दिया, ये वाली लाइन इस पे, ये वाली लाइन इस पे, नॉर्मल पे, ओके। तो हम यहाँ पे 35 पे पहले लेंगे इंसिडेंट एंगल, तो 0, 10, 20, 30, तो 35 आपका यहाँ आ जाएगा, दिस इज योर 35। तो इसको हम मार्क कर लेंगे और स्केल से हम इसको मीट करा देंगे। ये आपकी ध्यान रहे डार्क लाइन आएगी, डार्क क्योंकि ये इंसिडेंट रेज है एक्चुअल में होती है। अब यहाँ पे जो एंगल आपका आया वो कितना आया, 35 डिग्री, राइट, 35 डिग्री इंसिडेंट एंगल, एक्चुअल में ये एंगल जो है आपका इंसिडेंट एंगल हुआ, ओके। अब हम देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ये यहाँ पे हमने इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे मैंने मार्क कर लिया एक, तो हमने यहाँ मार्क कर लिया और एक मार्क हमने यहाँ कर लिया, तो दो हमने मार्क किए। और इस पर हम क्या करेंगे, अपनी जो नेल्स है इसको पेनेट्रेट करेंगे। देखिए हमारे पास जो आयरन नेल्स है उसको पेनेट्रेट करेंगे इस लाइन पे। याद रहे ये जो नेल्स आप पेनेट्रेट कर रहे हो, इस नेल को आपने अच्छे से पेनेट्रेट करनी है। तो जो पेनेट्रेट कर रहे हो आप, वो एक तो 90 डिग्री पे पेनेट्रेट करनी है आपको, 90 डिग्री पे, और दोनों को एक ही सीध में आपने लगानी है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे पेनेट्रेट करना है आपको, ध्यान भी रखना है। ये हमने पेनेट्रेट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम अपने प्रिज्म को यहाँ दोबारा से इस ट्रेसिंग, जो ट्रेसिंग शेप है प्रिज्म की, इस पर एडजस्ट करेंगे। ये हमने एडजस्ट कर दिया, आप ध्यान से देखिए, ये रेज हमने यहाँ पे इंसिडेंट रेज जो 35 पे हमने इसको सेट कर दिया, इस तरफ से देखिए, इस तरफ से हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास ये वाली जो नेल्स है वो इस तरफ दिखाई देगी, ऐसे स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट दिखाई देगी, ठीक है, ऐसे हमारे पास ये स्ट्रेट दिखाई देगी। तो हम क्या करेंगे, इन लाइन के कुछ आयरन नेल्स लेंगे, हम दो आयरन नेल्स यहाँ पे यूज करेंगे ये, और यहाँ पे पेनेट्रेट करेंगे, या यहाँ इसको यहाँ से देखने के बाद फिर पेनेट्रेट करेंगे। ध्यान रहे ये जो नेल्स हम यहाँ पेनेट्रेट करेंगे, ये वाली नेल्स इन नेल के स्ट्रेट में दिखाई देगी, स्ट्रेट में दिखाई देगी। तो हम ऐसा करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये नेल्स लेंगे हम, और इन नेल्स को हम यहाँ पे एडजस्ट करके देखेंगे। ध्यान रहे इसको, ये जो नेल्स हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे वो नेल्स इस नेल के स्ट्रेट दिखाई देगी, हमें यही करना है, ओके। तो हम इसको एक बार करके देखते हैं और फिर आपको यहाँ पे दिखाते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, हमने ये वाली नेल्स को जो है, ये वाली नेल्स को जो है यहाँ पेनेट्रेट किया है, और वो जो इसके अंदर प्रिज्म के अंदर जो आपको नेल्स दिखाई दे रही है, देखो ये वाली, ये आपके पास ये वाली नेल्स है,
देखिए ये वाली नेल्स है, ये इंसिडेंट आपके पास नेल्स है जो इंसिडेंट रेज पे हमने पेनेट्रेट की हुई है, जो 35 डिग्री से हमने इसको एडजस्ट किया। तो हम इस साइड से इसको देखते हैं तो ये जो हमने नेल्स इस हिसाब से पेनेट्रेट की है कि वो जो नेल्स दूसरी तरफ जो दो नेल्स हमने लगाई है वो इसके स्ट्रेट में दिखाई दे। तो देखो ये नेल्स जो हमने यहाँ पे पेनेट्रेट की है वो उसके उसके पीछे वाले जो नेल्स हमें दिखाई दे रही है इस प्रिज्म के अंदर उसके बिल्कुल स्ट्रेट में है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे यहाँ से रे ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्ट होके आ रही है। ओके समझे आप? तो इस तरह से आपको ये पेनेट्रेट करके दिखानी है। अब क्या करना है आपको, आप यहाँ पे आपको ये जो प्रिज्म को है रिमूव कर देना है। तो प्रिज्म हमने रिमूव कर दिया, अब ये जो नेल्स है इसको हटाना है और यहाँ पे जो है इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, जहाँ से आप नेल्स को रिमूव कर रहे हो यहाँ से इसको मार्क्स कर लेना है। तो हमने इसको मार्क्स कर लिया। ओके अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करना है, इन जो ये दो मार्क्स किए हुए हैं जहाँ पे हमने ये रिफ्रैक्टेड पिंस जो है जो हमने पेनिट्रेट की थी इसको हमने मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे ये डार्क लाइन से इसको हमने यहाँ पे मीट कर दिया। ओके यहाँ पे ये कट कर रहा है। ओके अब देखिए ध्यान से क्या करना है, अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है इसका। तो सबसे पहले देखिए इसको भी हम रिमूव कर देते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक्चुअल पाथ बनाते हैं। जैसा कि आपने थ्योरी में देखा था इसका एक्चुअल जो पाथ है ये डॉटेड लाइन से हमें ऐसे दिखाना है। तो इसका एक्चुअल में एक्चुअल पाथ तो ये होता ना, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो दिस इज द एक्चुअल पाथ, ये इंसिडेंट लाइट का एक्चुअल पाथ है और ये लाइट रिफ्रैक्टेड है जो हमने अपनी परफॉर्म की अभी। इसको हम इसको पीछे की तरफ हम ट्रेस करेंगे, तो पीछे की तरफ इसको ले जाएंगे, तो पीछे की तरफ हम डॉटेड लाइन इसको ऐसे ले लेंगे। तो देखिए इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है वो अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गई, इतना डेविएट हो गई। तो यही एंगल हमें निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है हमें, एक्चुअल में ये वाला एंगल निकालना है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो यही आपका एंगल ऑफ डेविएशन है जिसके निकालने का ये तरीका है। तो 35 डिग्री पर हमारा इंसिडेंट इंसिडेंट एंगल 35 रखा तो हमारे पास डेल्टा कितना आएगा, अब हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे डेल्टा, देखिए इसको हम ऐसे ट्रेस करेंगे, इस प्रोटेक्टर को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो प्रोटेक्टर हमने यहाँ पे लगाया, प्रोटेक्टर यहाँ पे लगाने पर ये आपके पास जो दिखाई दे रहा है एंगल, ये अप्रोक्स ये 43 डिग्री का एंगल हमें दिखाई दे रहा है। तो यानी ये जो एंगल है, ये एंगल जो है वो 43 जो है आपके पास, 43 डिग्री जो है आपके पास आ रहा है। तो 35 डिग्री पर 45 डिग्री 43 डिग्री का एंगल आपके पास आ रहा है। तो क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट जो रीडिंग है वो कंप्लीट की हमने। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हम जो रीडिंग है वो फिलअप करेंगे। तो फिलअप क्या करेंगे, तो हमारे पास देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल है आपके सामने। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में 35 पर हमारे पास क्या रीडिंग आई है, हमारे पास आई है 43 डिग्री। क्लियर, 43 डिग्री। अब हम क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, आपको ये परफॉर्म करना बड़ा ही आसानी से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका पास ये देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में एक रीडिंग 40 पे लेनी है, एक 45 पे लेनी है, ऐसे ही 50 पे लेनी है, ऐसे ही 55 पे लेनी है, फिर 60 पे लेनी है। तो इस तरह से हमें रीडिंग लेनी है। तो चलिए हम रीडिंग लेते हैं इसकी। तो 40 पे लेते हैं हम इसकी रीडिंग। तो 40 पे हमारे पास रीडिंग कैसे आएगी और कैसे हम करेंगे परफॉर्म, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सेम आपको प्रोसेस क्या करना है, ये यहाँ पे ये जो ट्रेस किया हुआ है प्रिज्म, उस प्रिज्म को यहाँ पे ट्रेस करेंगे, यहाँ पे ट्रेस करेंगे और फिर जैसे हमने अभी किया तो ऐसे इसको ट्रेस करेंगे। देखिए ऐसे ट्रेस करेंगे, पहले ट्रेस कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको ट्रेस कर लिया है, तो ट्रेस कर लिया है तो फिर हम क्या करेंगे, वही नॉर्मल लेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल लेंगे राइट। वही जैसे कि हमने बताया कि इस तरह से हम नॉर्मल लेंगे कि ये आपके पास एक पॉइंट रख लीजिए, एक 90 डिग्री लेना है। तो यहाँ पे इसको हम मीट करा देते हैं, तो हमारे पास आ गया नॉर्मल, दिस इज अवर नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया। और इसके साथ हम कितने डिग्री का एंगल लेंगे, हम अब 40 का लेंगे। तो 40 यहाँ पे 40 हो गया आपके पास, और हम इसको मीट कराते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये आ गया एंगल, आपके पास इंसिडेंट एंगल आ गया 40। तो 40 डिग्री इंसिडेंट एंगल हमारे पास की बार हम ये इतना एंगल लेते हैं। और सेम प्रोसेस इससे ही डेल्टा जैसे हमें अभी निकाला वही प्रोसेस के साथ इसको परफॉर्म करेंगे और 40 डिग्री पर हम अपना एंगल डिसाइड करेंगे कि कितना आया, वो भी हम प्रिज्म की हेल्प से। तो वही प्रिज्म हमने यहाँ पे लगाया, और ध्यान रहे यहाँ पे हम एक मार्क कर लेते हैं कि भाई एक हमारी ड्राइंग जो आयरन नेल्स है वो यहाँ पे पेनेट्रेट करेंगे, एक यहाँ पे पेनेट्रेट करेंगे। तो एक यहाँ करेंगे और एक यहाँ पे करेंगे। और फिर हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो पिन हम यहाँ पे लगाएंगे और एक पिन जो यहाँ पे लगाएंगे, ये दोनों पिन जो है इस प्रिज्म पे देखने पर, प्रिज्म में से देखने पर वो इधर से दिखाई देगी राइट, इधर से हमें दिखाई देगी। जो भी प्रिज्म में इधर से दिखाई देगी वो पिन हमारी, वो पिन इन पिन्स के स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट है तो आपका मतलब ये है कि लाइट जो है इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, और इसी हिसाब से हम
जो पिंस जो लगाएंगे ना यहाँ पे, वही वही हमें एंगल ऑफ डाइवेशन देगा, जैसे कि हमने इसमें परफॉर्म किया। आप 35 पे, 40 पे, 45 पे, 45 के बाद 50 पे, 55 पे और 60 पे ये रीडिंग लेने की कोशिश करिएगा, आपको इजीली से ही आ जाएगा। देखिए हमने पहले ही ऑलरेडी इसकी रीडिंग ली, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी वजह से हम ज़्यादा मतलब यहाँ पे पहले से परफॉर्म कर लिया हमने। सिर्फ मैं 35 एंगल पर रीडिंग आपको लेके दिखा रहा हूँ, बाकी सारी रीडिंग मैं पहले ही ले चुका हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कौन कौन सी रीडिंग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके की है। तो देखिए आपको बता दें कि जो 40 पे हमारी जो रीडिंग आई थी, वो आई थी 38.8 डिग्री। आपको ये परफॉर्म करना आ ही गया होगा। 45 पे जो हमारी रीडिंग आई थी, वो आई थी 37.8 डिग्री। ऐसे हमारी 50 पे जो रीडिंग आई थी, वो 50 पे हमारी 38 रीडिंग आई है, बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग है ये हमारी। अच्छा, इसके पास 55 पे हमारी रीडिंग आई है 40 40, हमारे पास 40 डिग्री जो है हमारे पास ये रीडिंग आई है। इसके बाद जो हमारी 60 पे रीडिंग आई है, वो आई है 42 42 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमारी रीडिंग आ जाती है। अब इसके बाद आप ध्यान से समझिएगा कि हमें अपना कैलकुलेशन पूरा करना है। तो हमारे पास ये रीडिंग आ गई, परफॉर्म करने के बाद हमारे पास ये रीडिंग आ गई है। अब हम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को पूरा करते हैं। तो कैलकुलेशन में लिखा है फ्रॉम ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा। देखिए आपके पास अभी हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ हम पहले से ही बना चुके हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए ग्राफ हमने पहले से बना के रखा है। तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, राइट। एक्स एक्सिस में मैंने जो ये आपने डिवीजन लिए, एक तरह से बोल सकते हैं ये 0 लिया, ये 30 डिग्री, ये 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 तक मैंने ले लिया है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ले लिया हमने एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, ये वाला जो वाई एक्सिस के अलोंग हमने लिया एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन जिसे हम डेल्टा कहते हैं। ओके, ये हमने इसका हमने जो इंटरवल रखा 34 डिग्री, 36, 38, 40, 42, 44, 46, यानी 2 2 का डिफरेंस हमने इसमें रखा, जिससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, आप कैसा भी डिफरेंस रख सकते हो, लेकिन इक्वल रखना है आपको। ओके, यहाँ पे देखो आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको चलना है, रीडिंग के अकॉर्डिंग ही आप चलोगे। तो आपकी रीडिंग देखिए यहाँ पे, आप जैसा कि आपकी रीडिंग देख पा रहे हो, आप इस रीडिंग को आप ध्यान से समझिएगा, रीडिंग के अकॉर्डिंग नाम बनेगा। तो 35 पे, तो देखिए 35 पे 43 डिग्री एंगल आ रहा है, तो 35 पे आपका 43 यहाँ बनता है, 43। तो 35 पे 43 यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मार्क कर लिया। ओके, इसके बाद आपका 40 पे 38.8 आ रहा है, तो 40 पे 38.8 जो है आपके पास आ रहा है, देखिए यहाँ पे 38.8 डिग्री। ओके, फिर 45 पे 37.8, तो 45 पे 37.8 आ रहा है, देखिए 37.8 आ रहा है। ओके, 50 पे देखिए, 50 पे 38, 50 पे 38, 50 पे 38 डिग्री आपका आंसर आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखें तो सॉरी डेल्टा आ रहा है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है। और 60 पे 42, 55 पे हमने बताया ना अभी कि 55 पे जो है आपका 40 आ रहा है, 55 पे 40 आ रहा है ये रहा, और 60 पे आपका आ रहा है 42, 60 पे आ रहा है 42। देखिए आपका ग्राफ जो है, हमने इसको इन सारे पॉइंट्स को मीट किया, तो आपका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। ध्यान रहे अगर आपका ग्राफ ऐसा बन रहा है तो आपकी रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट है। ग्राफ आपका देखिए, ग्राफ आपका इस तरह का नहीं होना चाहिए, ग्राफ आपका इस तरह, कई कई बच्चों का ग्राफ इस तरह से आता है, लेकिन ये गलत है, ऐसा ग्राफ नहीं होता है, ग्राफ हमेशा आपका ऐसा ही आना चाहिए। तो ग्राफ आपका ऐसा आएगा, क्लियर है। तो कर्व ग्राफ आना चाहिए। अब देखिए हमने ये बना लिया, तो आप एक बार ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन में जाते हैं तो, या फिर इस ग्राफ में भी हम देख पा रहे हैं कि तभी एंगल में हमने देखा कि हमने 35 लिया, 40 लिया, तो 35, 40, 40, 45 पर हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिक्रीज हो रहा है ना, एंगल ऑफ डेविएशन आपका डिक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है। लेकिन 45 इंसिडेंट एंगल पर एक एंगल ऑफ डेविएशन आया 37.8 डिग्री। देखिए ये वाला एंगल सबसे कम आ रहा है आपका, सबसे कम, तो यही क्या कहलाएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हमने डेल्टा एम बोल दिया। इसके बाद देखो आप इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हो, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता जा रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि इंसिडेंट एंगल बढ़ने पर एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, उसके बाद इंसिडेंट एंगल बढ़ने पर फर्दर क्या हो रहा है, आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी बढ़ रहा है। तो इसलिए इसका ग्राफ जो है, कर्व ग्राफ इस तरह से आपका बनता है। तो हमारे पास इस ग्राफ के जरिए हमने एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 37.8 डिग्री मिल गया है, तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें इसी की जरूरत थी। ओके, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन पोर्शन में चलते हैं। तो कैलकुलेशन में ध्यान से देखिए, कह रहा है फ्रॉम ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा वी गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम। अभी आया, अभी अभी हमने 37.8 डिग्री
ये हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आया। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए आपको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको क्या चाहिए, साइन। साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या चाहिए आपको, ए चाहिए। ए तो हमारे पास होता है 60, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, प्लस लिखा हमने यहाँ पे डेल्टा एम, अभी अभी आपके पास आया कितना 37.8 डिग्री अपॉन टू, ये आपके पास आ गया। और यहाँ पे आ गया आपके पास साइन, साइन यहाँ पे 60/2 करेंगे क्योंकि 60 रखते हैं तो 30 डिग्री, 30 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे ओवरऑल जो है साइन, ये इसको ऐड करेंगे आप तो ये बन जाएगा आपके पास 97.8 डिग्री बाई टू, और अपोन में लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब आप एक ध्यान से समझिए, लॉग टेबल में जाएंगे, साइन के लॉग टेबल में 97.8 डिग्री बाई टू करके, और ये लॉग टेबल में देखेंगे, और साइन 30 की वैल्यू ऑब्वियसली 1/2 होती है, तो इसको देख लेते हैं। तो इनका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो साइन 30 1/2 हो गया, लॉग टेबल में ये वैल्यू देखेंगे साइन की, और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आएगी लॉग टेबल में मिल जाएगी, और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए हमारे पास कैलकुलेशन क्या आती है, तो कैलकुलेशन हमारे पास ये आती है, ध्यान रखना है आपको, तो कैलकुलेशन हमारे पास क्या आएगी 1.5077। ओके, तो हमारे पास अपनी कैलकुलेशन में हमारे पास ये भी आ गया 1.5077। तो हमारे पास जो प्रिज्म था आपका, जो ये प्रिज्म था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास ये आ गया। ओके, अब देखो ये कंप्लीट हो गया, अब रिजल्ट पे चलते हैं। तो देखिए जो रिजल्ट है, रिजल्ट में फर्स्ट में क्या कहा, फ्रॉम इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन ग्राफ वी सी दैट एज इंसिडेंट एंगल इंक्रीज द डेल्टा फर्स्ट डिक्रीज, डेल्टा फर्स्ट डिक्रीज। देखिए ये कह रहा है इंसिडेंट एंगल अगर आपका बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले तो घट रहा है। ओके, अटेन द मिनिमम, फिर उसके बाद देखिए ये मिनिमम पे आ गया। ओके, देखो मिनिमम पे आ गया ना, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आया था, मिनिमम पे आ गया। इसके बाद वैल्यू ऑफ डेल्टा एम एंड अगेन स्टार्ट इंक्रीज फ्रॉम द फर्दर इंक्रीज ऑफ आई। इसके बाद देखो अगेन इंक्रीज हो रहा है, जब इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ रहा है। सेकेंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म म्यू। फर्स्ट में तो हमने ए में पढ़ा था कि दो चीजें बतानी थी इसमें, तो दूसरे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का, प्रिज्म का हमने निकाला, वो अभी भी निकाला, क्या है आपके पास 1.5077, ये आपके पास म्यू आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, हमने इस एक्सपेरिमेंट को बड़ी ही तसल्ली से किया है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, दोबारा से देखिएगा, लेकिन इसको पूरी अच्छी तरह से करिएगा। तो आपके पास यहाँ पे ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से करिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से लर्न हुआ है, इसको बार बार रिपीट करना और देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।